स्वा चैनल एंड स्वाति दिस साइड. फ्रेंड्स, आज के जो आउटिंग है उसके लिए मैं जो साइट पे जाने वाली हूँ, आई एम वेरी मच एक्साइटेड ऑल्सो एंड आई एम बिट नर्वस ऑल्सो. वाई नर्वस? बिकॉज आई एम गोइंग टू अ हॉन्टेड साइट. यस, इट इज़ अक्लेम टू बी अ हॉन्टेड साइट, एन अबैंडन्ड विलेज जो कि 300 साल पहले रातों रात खाली हो गया था, कुलधरा विलेज. ये साइट जैसलमेर से जस्ट 20 किलोमीटर्स अवे है. सो लेट्स चेक आउट व्हाट इज वेटिंग फॉर अस. फ्रेंड्स, बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी कहीं पे अगर मार्केट प्लेस है तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के बोलने की आवाज़ें, कई लोगों को एक्सपीरियंस हुई है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे औरतों के बोलने की आवाज़ें आ रही है, कई पायलों की आवाज़ें आ रही है. सो मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है, बट लेट्स चेक आउट कि ऐसा कुछ है क्या. यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक अंडरग्राउंड बना हुआ है जिसमें कि पूरा एक फ्लोर है नीचे. ये पिलर भी है जो पूरा नीचे से हम यहाँ से दिख रहा है कि ये पिलर भी पूरा कंटिन्यू हो रहा है. तो आई थिंक पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम भी यहाँ पे डेवलप था, तो काफी वेल ऑफ, या एटलीस्ट आई कैन से आर्किटेक्चरली तो बहुत वेल ऑफ लोग रहे होंगे. क्यों कहा जाता है इस विलेज को हॉन्टेड या अबैंडेंड? अबैंडेंड होने के बाद इस विलेज को जो श्राप मिला उससे कहा जाता है कि यह हॉन्टेड हो चुका है. वो श्राप ऐसा था कि उसके बाद में कोई यहाँ बस नहीं पाएगा. 100 साल पहले सालेम सिंह नाम का एक आदमी जो कि मंत्री था जैसलमेर की मिनिस्ट्री के अंदर, उसके अत्याचारों से यहाँ के लोग बहुत परेशान थे. पालीवाल ब्राह्मण जो कि 84 गांवों में यहाँ रहा करते थे, 84 गांव के अंदर बहुत ही वेल ऑफ बिजनेस क्लास फैमिलीज थी, और सभी उसके अत्याचारों से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने रातों रात ये सारे 84 गांव खाली कर दिए. और साथ ही ब्राह्मणों ने ये श्राप भी दिया कि यहाँ पे कोई भी दोबारा बस नहीं पाएगा. और आज भी हम देख पा रहे हैं कि उस श्राप की वजह से शायद ये जगह कितनी वीरान है और आज भी उसी स्टेट में है जैसे वो इसको छोड़ के गए थे. फ्रेंड्स, आज भी शायद लोग जितना सुंदरता पे ध्यान देते हैं उस समय भी उतना ही खूबसूरती का ध्यान रखा जाता था. हम देख सकते हैं आज भी ये पुराने जो रिमेन्स हैं इनके अंदर कि घरों में कहीं कई जगहों पे इस तरह का ब्यूटिफिकेशन भी किया गया है.
फ्रेंड्स, इस विलेज को अब गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले रखा है और इस पर अब टिकट भी लगा दिया गया है। छोटा मोटा कुछ टूरिस्ट के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट करती है, बट जो बेसिक रुइंस थे उनको एज इट इज रखा गया है। सो गाइस, आई एम हैप्पी कि मेरा किसी भी भूत से किसी तरह का कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है, मुझे इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और जो मैंने इस जगह के लिए कंक्लूड किया है कि ये बहुत वेल ऑफ लोगों के लिए लोगों के घर रहे होंगे, क्योंकि घरों के जो साइजेस हैं वो बहुत बड़े हैं एक गांव बोलने के लिए, और बहुत डेवलप्ड रहे होंगे। और बहुत पेनफुल है कि अगर उनको इस तरह से अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा है फॉर वॉट एवर द रीज़न मे बी। So guys, it's time for me to say bye for now until we meet in our next video with a very beautiful destination. And tab tak aap kahin na jaiye jab tak ki aap hamare channel ko like, subscribe and share nahi kar lete. And I hope aapko ye video pasand aaya. So please comment karke hame batayega zarur.